आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट शख्सियत मिस्टर सागर भाई। वेलकम सर। मुस्कान सकते हैं? Yes, sir. एक बार मुस्कान बताइए। मजा आ रहा है। ये रियल जादू है आरसीएम का। जो आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है उसके पास अच्छे लोग आते हैं। आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में अच्छे लोग आए, तो जब आप अच्छा महसूस कराओगे तो आपके पास अच्छे आकर्षित होंगे। यस। परिचय, नाम सागर भाई, सूरत गुजरात से, पढ़ा लिखा, टेंथ क्लास फेल, 15,000 की जॉब करने वाला। आज के 13 साल पहले इस सफर की शुरुआत की थी। जब पहली बार मीटिंग में गया तो सब ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले महीने का चेक आया था 672 रुपये का। कितने का जी? हर आदमी को पहला कमीशन आता है। इन इंसान को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? पैसे में होता है जी। मेरा भी चेक पहले महीने का 672 रुपये का आया और मैंने अपने आप से सवाल किया, अगर बगैर काम किए 672 रुपये आ सकता है तो काम करने से 672,000 भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य, अपन जब भी काम शुरू करें तो अपना टारगेट बड़ा होना चाहिए। ज्यादा तो इस बिजनेस में 90% बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं कि शुरुआत के अंदर पैसा नहीं आता है। ये शुरुआती पैसे के लिए आरसीएम नहीं है। आपकी जितनी बड़ी सोच होगी उतनी आपकी समस्या खत्म होती जाएगी। मैंने 6 लाख रुपए के चेक के लिए काम कर रहा हूं तो आज तक जितनी भी समस्या आई मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि 6 लाख के लिए आज मार्केट में फील्ड में 10-12 हजार की नौकरी करते हैं तो दुनिया भर की समस्या है, तो 6 लाख के लिए समस्या तो आएगी। आप समस्या को स्वीकार कर लोगे तो समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आप समस्या को स्वीकार नहीं करोगे तो वो समस्या आपको परेशान करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, इस बिजनेस के अंदर जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतना ये बिजनेस आपके लिए आसान होगा। क्या सोच रख सकते हैं? तो इसी बीच में हमारे बीच में आज काफी सारे रॉयल्टी एच्यूर है। रॉयल्टी एच्यूर का मतलब ये नहीं है कि एक बार रॉयल्टी आएगी, परमानेंट इनकम आएगी। रॉयल्टी आपके काम के ऊपर आती है। हमारा ग्रुप इस बिजनेस के अपलाइन स्पॉन्सर और इस बिजनेस के अंदर 99% जो रोल होता है अपलाइन का होता है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपलाइन आपकी कैसी भी हो हमेशा अपलाइन की तारीफ करो। आप अपलाइन को भगवान का रूप मानोगे तो ऊपर से भगवान आपको तथास्तु बोलेंगे। और इस बिजनेस के अंदर जो सबसे अच्छा रोल रॉयल्टी एचीवर बनता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये बिजनेस सिस्टम है क्या। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि एक बार रॉयल्टी आ गई परमानेंट इनकम आ जाएगी। आप काम करोगे, बिजनेस को स्टेबल करोगे, तब आपकी रॉयल्टी इनकम शुरू होगी। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे रॉयल्टी एचीवर है, एक बार अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपनी जगह पे ऑल रॉयल्टी एचीवर। रॉयल्टी एचीवर का मतलब है उनके कपड़े के पहनाव में, बोलने में, चालने में, रंग में, हर चीज में बदलाव आएगा। इस बिजनेस का एक ही सिस्टम है, जैसे जैसे आप बदलते जाते हो वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि एक बार रॉयल्टी आएगी लाखों रुपए का चेक आएगा, मगर एक बार रॉयल्टी आने से इस सिस्टम के अंदर उनको ये पता चल जाता है कि बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे एक लड़की जैसे शादी करने के बाद माँ बनती है, जैसे एक लड़का शादी करने के बाद बाप बनता है। जब तक वो जब उसकी शादी नहीं होती है अगर कोई भी वो जाता है, लेट सवेर होता है तो पिताजी उसको डांटते हैं, तो उस लड़के को लगता है पिताजी क्या पता नहीं है, मैं समझदार हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया, सब कुछ पता है, मैं कहीं होता नहीं है, फिर भी पिताजी डांटते हैं। जिस दिन वो खुद बाप बनता है तब उसको लगता है कि पिताजी जो डांट रहे थे वो सही है। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे रॉयल्टी एचीवर हैं, दौड़ के स्टेज पे आएंगे, दौड़ के फटाफट ऑल रॉयल्टी एचीवर कम ऑन द स्टेज। ऑल यही है कि सीखते रहना है गुरु के सानिध्य में, क्यों गुरु गु और रू यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला इस सिस्टम के जो पालनहार है, जो भी हमारे अपलाइन है उनके सानिध्य में इस चीज को, इस सिस्टम को सीखते रहिए। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है, एक नया मॉड्यूल जो डायरेक्ट सेलिंग का है, जिसके अंदर नंबर वन जो है आरसीएम है, इसमें हमें गर्व होना चाहिए। 1,000 जोरदार तालियां आरसीएम के लिए। थैंक यू। इसमें आपने देखा हर तरह का आदमी, LIC का ऑफिसर,
एक बिजनेसमैन, किराना की दुकान वाले, कपड़े की दुकान वाले, सिंचाई मशीन वाले, हर तरह का आदमी आगे बढ़ सकता है बेशक अपने आप को बदलने के लिए। इस बिजनेस में जो 13 साल के सफर में मैंने जो सीखा है, कई सारे लोग बोलते हैं सर आप बिजनेस तो करना चाहते, लोग नहीं मानते। मैं आपसे एक ही बोलता हूँ, लोग तो मानने के लिए तैयार है, अपन खुद नहीं मानते। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर और 100% अपने ड्रेस कोड में नहीं आएंगे, आज से पहले आप क्या काम करते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी काम करते हो, एक आरसीएम का ड्रेस कोड हमेशा के लिए, आप डेली आप अपना काम से बाहर निकल के अपने ड्रेस कोड में आ जाओ, दुनिया अपने आप आपसे आकर्षित होगी। लोग समझाने से नहीं समझते, लोगों को दिखाना पड़ता है, और दिखाने के लिए आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो आप खुद है। आपके बोली में अंदर, स्वभाव के अंदर, बातचीत करने के तरीके में चेंजिंग तब आएगा जब आपकी ड्रेस कोड चेंज होगी। आप चेक कर लेना, पिछले मेरी जिंदगी का 50 साल का अनुभव है, व्हाइट ड्रेस के अंदर टाई लगाया हुआ आज तक 50 साल में मैंने किसी के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा। क्या गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही है सर। आप अपने ड्रेस कोड में आ जाओ, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक अलग ऊर्जा आ जाएगी, बातचीत करने का तरीका अलग हो जाएगा, अगला आदमी को लगेगा यार वाकई में कोई आदमी है। क्योंकि लोग 10 साल से आरसीएम कर रहे हैं, 5 साल से आरसीएम कर रहे हैं, ना अपने कपड़े बदल पा रहे हैं, ना अपनी लैंग्वेज बदल पा रहे हैं, और लोगों को बदलने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, ये लोगों को बदलने का बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस में 100% अपने अंदर बदलाव करो, बिजनेस अपने आप दौड़ने लग जाएगा। क्या कर सकते